उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिए अदालत में दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों के साथ साथ प्री लिटिगेशन वैवाहिक विवादों का समाधान भी सुलह समझौते के माध्यम से कराया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी तरह के आपराधिक मामले, बिजली और जल के बिल से संबंधित शमनीय दंडवाद और अन्य सिविल वादों का समाधान किया जाएगा। बता दें कि योगी सरकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बनाना है। इससे संबंधित पक्षकारों के समय व धन की बचत होती है। इसके अलावा लोक अदालत में निर्णित मुकदमे की अपील किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती है। साथ ही लोक अदालत के निर्णय को अंतिम माना जाता है। वहीं अदा की गई कोर्ट फीस पक्षकारों को वापस हो जाती है। ऐसे में लोक अदालत का निर्णय सिविल न्यायालय के निर्णय के समान बाध्यकारी होता है।